वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द दिलिफ पॉडकास्ट टुडे आई हैव नन अदर देन द वन एंड ओनली फराज अनवर हाउ आर यू सर बिल्कुल जबरदस्त आप कैसे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त और मुझे काफ़ी लोगों ने क्योंकि हम अब पंद्रह कुछ एपिसोड्स कर गए हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आएगा आपने फराज भाई को नहीं बुलाया आप क्या कर रहे हैं <laughs> मैंने कहा मैंने उनको बुलाया वो है वो बिजी आदमी है वो जब फ्री होंगे आ जाएंगे बस यार वो पहले ही आ जाता मैं हाँ, <laughs> लेकिन वो बीच में बस जो हुआ था बस उसकी वजह से हाँ नहीं अब वेरी सॉरी टू हेयर अबाउट आपके भाई की बट इट्स लवली टू हैव यू हेयर इट्स बिन आई थिंक कोई साल हो गया आप

लेकिन उससे पहले भी मुझे पता नहीं गिटार अच्छा लगता था क्योंकि मैं बचपन से लिसनिंग जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी और जो मेरे भाई थे घर में वो भी काफ़ी वेस्टर्न म्यूजिक वगैरह सुनते थे तो बैंड्स जैसे पिंक फ्लॉइड हो गया अमेरिका हो गया रियो स्पीड वैगन हो गया तो ये बचपन से मेरे कान में जो है ना वो पड़ता रहा और उसके साथ साथ जो है वो जो पाकिस्तान में होता है कि वो बॉलीवुड की फिल्में भी चलती थी साथ साथ तो वो भी बेसिकली कान में आपके पढ़ता रहा म्यूजिक तो सबसे पहला बैंड जो मुझे बचपन में अच्छा लगा था जब बहुत छोटा था मैं वो एबा था तो वो मेरा पहला बैंड वो था जो वेस्टर्न म्यूजिक से जो एक्सपोजर हुआ वो वो था वो पहला बैंड उसके बाद फिर मैंने सारे बैंड सुने रश भी बहुत छोटी एज में सुना वन या टू क्लास में था रश भी सुना पिंक पॉड भी सुना तो ये सारे बैंड uh, जो मैंने सुन डाले सारे hmm. मुझे याद है मेरे कजन एक uh, से आया था तो, काफी सारे वो अपने साथ तो उसके सारे दोस्त रूम में बैठे हुए थे तो जब मैंने उनसे नाम मैंने कहा लगाए ये लगाए ये लगाए hmm. तो वो काफी वो चौंक गए कि ये कौन है ये मतलब इतना छोटा ये और मतलब रियो स्पीड वैगन या पिंक या रश ये सारे नाम Yeah. और बता भी रहा है कि गाना ये है ये है ये है yeah. उनको भी इतना नहीं पता होगा hmm. तो, अच्छा, अच्छा. तो उसके अक्रॉस द रोड जो है एक वीडियो थी हम हमेशा बचपन में एक हमारे पास बी एम एक्स साइकिल होती थी hmm. और हम हर जगह वीडियो स्टोर पे जाते थे hmm. और जाके जो है वीडियो देखते थे कि यार कोई टॉप टू पॉप मिल जाए या कोई ऐसी चीज मिल जाए क्योंकि जमाने तो हमारे चैनल सिर्फ एक था पीटीवी हाँ और उसके अलावा और कोई चैनल... क्या ही आपको मिलता कुछ भी नहीं मिलता था यार <laughs> और वो हम ढूंढते थे कि कहीं पे हमें ये चीजें मिल जाएं हुँ. तो वहां पे हमें कोई, आ, एक कोई एक वीडियो मिला जो कि उसका नाम था हार्ड रॉक वन हार्ड रॉक वन वो कंपाइलेशन किसी ने बनाई होगी VHS पे तो वो खैर हमने देखी उसमें तो उसमें वो बेसिकली basically... मुझे लगता है कि उसने मुझे गिटार प्लेयर बनाया है। और उसमें क्या कुछ था उसमें मुझे से वो याद आयाच एस तो मैंने अपनी प्लेयरिस्ट यूट्यूब पर बनाना शुरू कर दिया कभी भी आप थोड़ा सा डाउन होते हैं तो आप बेसिकली वो देख तो सकते हैं ना तो आपको फिर वही याद आ जाता है सारी जो फीलिंग होती है बिल्कुल तो वो उसमें से मुझे इंगवे मॉसटीन जो है oh. उसका यू डोंट रिमेंबर वो मैंने अभी कवर करके भी अपने उसमें सोल उसका डाला अभी टाइम मिला था मैंने कहा यार ये मुझे करना है हुँ. उसकी वजह से मैंने गिटार उठाया था wow. कि मुझे ऐसा बजाना है हुँ. तो उसके बाद फिर नाइन्थ में फिर नाइन्थ क्लास में मैंने प्रॉपरली उसको शुरू किया हुँ. तो वो पहले टीचर मेरा अद्नान था अद्नान फाक तो उसको मैंने बोला कि मैंने इंगवे बजाना है कहते मैं इंगवे नहीं बजाता मैं तो स्त्री बाय सिखाऊंगा तो <laughs> लेकिन मेरा दिमाग जो है ना वो वही वो पैटका हुआ था hmm. कि यार ये यू डोंट रिमेंबर ये बज गया yeah. तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें कर लूँगा yeah. और उस जमाने में uh, जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल में भी देखता था कि जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं और जो बड़े हैं hmm. उनको भी मैं सुना के देखूं कि उनको कैसा लगता है hmm. तो वो तो उन्होंने जब सुना तो कहने लगे धुपागा मतलब उन्होंने फौरन वो उन्होंने कहा कि ये तो भाई किसी और कौन उस तो है ये <laughs> बाल लंबे रखे हैं लड़कियों वाले और चेंज और इतनी इतनी <laughs> हाँ, हाँ, जो है है ये आ, ये गिटार बजा रहा है इस तरह का चोर लग रहा है हाँ। और ये लग रहा है मैंने का शायद मैं बड़ा हूंगा तो कभी ये। ये। लोगों को शायद समझ में आ जाए या मुझे कभी अपने तरह के लोग कोई मिल जाए ऐसे जो उस तरह फील करते हो या समझते हो क्योंकि सोलो के अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब वो स्टार्ट होता है सोलो तो वो मिलोडे का है कोई स्ट्रेट नहीं है कोई कुछ नहीं है और उसके बाद फिर जब हाँ जब वो बेल्ट होता है तो बीट शुरू होती है और उसके साथ वो फिर स्ट्रेट करना शुरू करता है तो वो एक पूरा पैकेज है अगर मतलब एक बच्चा अगर कोई देखे तो उसके लिए पूरा है कि यार अगर सोलो हो तो ऐसा हो जिसमें हाँ कॉम्पोजिशन हो तो बस वो आ, वहाँ से तो बचपन में काफ़ी डिसपॉइंटमेंट हुई क्योंकि अपना जैसा तो कोई मिला नहीं स्कूल में भी बच्चे होते थे वो कोई अमिताभ बच्चन की फिल्में देख रहा है कोई कुछ कर रहा है तो वो आ, तो पाकिस्तान में रहते हुए ये हुआ कि आप हमेशा से अकेले ही थे तो एंड भी जो मेरा हुआ वो यही है कि मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स खुद बजा रहा होता हूँ क्योंकि अगर दूसरा आदमी वैसा फील नहीं कर सकता अगर वो कनेक्ट नहीं कर सकता तो वो कैसे बजाएगा वो चीज़ इम्पॉसिबल है तो हमें यहाँ पे रहते हुए जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है आप किसी को अपनी पर्सनालिटी या अपने बारे में बताएं भी तो वो उस तरह नहीं फील कर पाता तो इस तरह इस तरह फिर सारा टाइम हाँ, निकला बट यू नो आपने शुरू उधर से किया बट एट व्हाट पॉइंट डिड यू थिंक मुझे क्योंकि आप शुरू में तो सेल्फ टॉट थोड़ा बहुत कितनी आपकी एसोसिएशन as रही है बहुत ज्यादा रही है अदनान शुरू में टीचर था उसके hmm. बाद हमने एक टाइम में साथ प्रैक्टिस किए बहुत ज्यादा hmm. मेरे घर में रुकना मैं hmm. उसके घर पर रुकना hmm. तो हमारे पास एक वीडियो आया पॉल गिलबर्ट का इंटेंस इंटेंस ah, वो वीडियो मैंने भी जो रॉक वन था yeah. <laughs> तो उसके तीन वीडियोस आए थे hmm. मेरे ख्याल में तो वो जो फर्स्ट वाला वीडियो था तो हम करते ही थे क्योंकि हमारे मेरे घर के अंदर लाउंज में एक टीवी होता था क्योंकि उस जमाने में सबके कमरों में टीवी नहीं थे तो लांच में एक टी होता था और रात में मैं देख लेता था, था कि अच्छा आज हमने ये प्रैक्टिस करना है कि जो फर्स्ट लेग है इसकी जो वीडियो शुरू होता है ओपनिंग यहाँ से हमने इस लेक को आज मेट्रोनोम के साथ मेरे पास छोटा जूम होता था वो जो सलमान अहमद के पास भी था पता नहीं उसमें तो मॉडल मैंने याद नहीं है हाँ। इतना सा जूम आया था जिस फर्स्ट वाला जूम था बिल्कुल उसमें मेट्रोनोम भी दिया हुआ होता था तो वो मेट्रोनोम के साथ हम लगा के पूरी रात जो है ऑल्टरनेट पिकिंग की एक्सरसाइज वो यंग थे मेरे ख्याल में उस वजह से तो वो पूरी पूरी डिसिप्लिन से बड़े प्रैक्टिस करते थे और जमाने तो डिस्ट्रैक्शन भी इतनी नहीं थी क्योंकि इंटरनेट नहीं था हाँ तो हम पूरी रात में सिर्फ एक ही चीज़ करते थे क्योंकि हम रात में टी वी लगा नहीं सकते थे क्योंकि सब सो रहे होते थे तो रात में बस वो देखा जल्दी से हाँ और फिर उसको प्रैक्टिस हाँ और उस रात में कभी ये भी होता था कि भूल जाते थे उसको कुछ और बनाते तो दोबारा जाके वीडियो लगा के कम वॉल्यूम पे देख रहे हैं कि ये इस तरह है ज़बरदस्त एट वट पॉइंट डिडर फर्स्ट कांस यार बैंड एक्सपीरियंस मतलब उस जमाने में बैंड का ही सीन था hmm. uh, अगर मैं तुमसे बात करूँ ना अर्ली नाइन्टीज़ की hmm. मैंने शायद नाइन्टी में या नाइन्टी वन में स्टार्ट किया है बताना hmm. मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है hmm. uh, तो जो ये टाइम uh, था ना जो एटी सेवन एटी एट एटी नाइन ये जो टाइम था ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के म्यूजिक का सबसे अच्छा टाइम था, था।

तो जब भी इस फन लैंड में हमेशा कोई कार्निवल लगा होता था या कॉलेज के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होता था तो हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ होता था तो हम सिर्फ देखने जाते थे तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन बैंड्स थे वो बजाते थे डेंजर जोन और फुटलूज और इस तरह के गाने हाँ हाँ। तो वो बेसिकली हमारा स्टार्ट वहाँ से हुआ और बहुत सारे आर्टिस्ट हमने सुने भी थे जो उनकी वजह से हमने फिर बाद में बिल्कुल सुने तो ये ये जो टाइम था ना ये बहुत अच्छा था तो इसी चीज़ ने मेरे ख्याल में हम लोगों को आगे या या तो बट आपको फिर सेशन प्लेयर या और कमर्शियल बैंड सॉरी भूल गया के साथ कॉल्स कब मिलनी शुरू हुई मैं भूल गया वो पॉइंट शुरू हुआ था तो बैंड्स जो थे ना तो वो बनता ही पहले बैंड था हाँ, उस जमाने में हाँ, जैसे आपने गिटार थोड़ा बहुत बजाना शुरू किया हाँ, अब जैसे मेरा जो पहला बैंड था वो था पावर हाउस पावर हाउस जो है जिसमें नदीम जाफरी होता था समीर अच्छा बेसिस था अच्छा अच्छा अदनान होता था अदनान ने इतफाक से वो बैंड छोड़ दिया ओके okay. तो मुझे बजाते हुए तो कोई छः सात महीने तो छः सात महीने हैं फिर मैंने वो गाने बजाए जैसे पॉइजन का एवरी रोसौन है और वो सारी नुछ गाने नुछ नुछ से आप हाँ, तो तो पहला मेरा स्टार्ट ही बैंड से हुआ न, हाँ। वो स्विच आइल्ड हो गया इस तरह के गाने जो है वो बैंड किया करता था कवर या वॉल हो गया तो ये गाने फिर मैंने सबसे पहले वहां और तो उस जमाने में फिर वो बैंड छोड़ा उसके बाद फिर कोई एक छोटा मोटा बैंड बन गया फिर इसी तरह चलता रहा फिर 90s में आ, 90s में एक चेंज आया कि जैसे स्टूडियोज की बात हो रही थी तो स्टूडियोज काफी लगना शुरू हो गए क्योंकि अब वो जो टाइम था जब ओरिजिनल उस जमाने में लोग जो है वो ओरिजिनल नहीं सुनते थे सब कवर्स कवर् सारे कवर्स होते थे, थे। अब ये टाइम आया नाइन्टीज के अंदर जिसमें लोगों को ओरिजिनल चाहिए थे म्यूजिक चैनल चार्ट जो है वो नया नया शुरू हुआ उसमें मेरा भी एक गाना आया था जब मैं नाइन्थ क्लास में था तो वो मैंने रिलीज किया था तो हमें शिफ्ट लेनी पड़ती थी और शिफ्ट लेने के लिए हमें कोई दो दो तीन तीन हफ्ते जो है वेट करना पड़ता था कि वो टाइम मिले क्योंकि वो इतने बिजी होते थे स्टूडियो के उसके अंदर कोई फोक भी आर्टिस्ट रिकॉर्ड कर रहा जितना आप ज्यादा स्टूडियो, तो स्टूडियो न, हुँ। हुँ। में बजाते हैं लाइव बजाने एक अलग चीज है और स्टूडियो में बजाना एक डिफरेंट चीज है और स्टूडियो में बजाने में आपको डायनामिक्स और ये सारी चीजों का पड़ा ख्याल करना पड़ता है लेजर फोकस है बिल्कुल और टेम्पो क्योंकि हमारे आते से ज्यादा बैंड जो लाइव बजाते थे वो मेरे ख्याल में के साथ बजा ही नहीं सकते थे हाँ, बिल्कुल तो जब आप स्टूडियो में घुसते हैं और स्टूडियो में आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि अच्छा यार ये टेम्पो इतनी बारीकी का काम है मतलब बिल्कुल आपको टाइट बजाना है या ये करना है ये करना है या, या। तो मैंने इतने सेशंस बजाए उसके बाद कि म्यूजिक चैनल चार्ट्स में जब भी हर वीक सारे गाने ज्यादातर मैंने नाइन्टी गाने मैंने बजाए हुए होते जिसपे लोग एक्ट किया करते थे के अंदर लेकिन उनके वो गिटार प्लेयर्स नहीं होते थे वो कहते थे कि यार तुम तुम नहीं बजाना है हाँ। तो वो सारे जैसे आज सुबह ही मैं रिक बियाटो जानता हैं हाँ, हाँ, उसके चैनल पे वो आ, कौन सा आ, सेशन प्लेयर क्या कहते हैं गिटार प्लेयर जिसका अपना चैनल भी यार भी हाँ। वो बहुत अच्छे इंटरव्यूज करता है वो स्टिंग का भी उसने किया बीच में बहुत ऐसे हाँ बड़े वो क्या कहते हैं यार टिम पेयर्स के साथ बैठा तो बात यही हो रही है कि मतलब एक टाइम आ गया था नाइन्टीज में क्योंकि वेस्ट में तो एटीज में जो बैंड्स में गिटार प्लेयर्स थे वो श्रेडर्स थे वो सही बजाते थे नाइन्टीज में आफ्टर निर्वाणा टाइम आ गया कि उनको बजाना नहीं आता तो ज्यादातर एल्बम्स पे ड्रम्स से लेकर गिटार बजाया किसी और ने और लेबल किसी और को मार्केट कर दिया कि ये है बैंड ये you नो know, <laughs> तो ये तो एक आई गेस ग्लोबल फिनोमिनल रहा है ग्लैम ग्लैम रॉक बैंड्स है ना हुँ. ये मुझे लगता है ये है कि ये हमेशा एक अच्छे म्यूजिशियंस और एक जो है जो मीडियोकर म्यूजिशियंस होते हैं इनकी हमेशा वॉर रहेगी शुरू से बिल्कुल तो जब लेट सिक्सटीज के अंदर प्रॉक शुरू हुआ ना हाँ. तो वो कोई चला चार साल पाँच साल हाँ. और उसके बाद फिर वो पंक आ गया हाँ. सेक्स पिस्टल्स या वो इस तरह के बैंड्स उसके बाद फिर इनको चांस मिला कि ये कुछ जरा डिफरेंट करें तो वो फिर जो ग्लैम रॉक है वो एटीज के अंदर आया लेकिन ये लोग वही थे इसमें ज्यादातर जो, जो बजा रहे जो, प्रॉक कर रहे थे हाँ, उनके जॉब्स थे उनको हाँ, पता था हाँ, जैसे एलन होती हाँ। है हम कहते हैं कि वो जैस विजन में जाता है लेकिन उसका अगर अर्ली काम तो वो काउंट रॉक बैंड में था यूके या और बैंड जो थे उसके अपने तो ये जो एटीज इसीलिए वो गिटार प्लेयर्स हमेशा वो टाइट बजाते थे यानी कि उस जमाने में तो सर्वाइवल था ही नहीं कि अगर किसी को गिटार सोलो नहीं बजाना आता मतलब तो तो वो 80's में तो लोग सुनते, सुनते ही नहीं, था था है। 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 नहीं सुनते थे ये वो लो। थे लोग बिल्कुल बिल्कुल और फिर ऐसे, फिर ऐसे में आई मीन द द थिंग दैट बैंड्स म्यूजिक वर लाइक एंड रोज़ेस स्लैश ओरिजिनली ग्लैम टाइप

और गिटार भी हो जाते थे तो वो तेज तो जरूर होता था लेकिन उसमें मेलिडी भी होती थी ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही अब जब हमने ये नाइन्टीज को कंपेयर किया उससे तो नाइन्टीज में वो चीज़ें नहीं थी समझ रहे हो और आ, सिंगर्स हैं वो आउट ऑफ ट्यून भी खा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है तो आपने जो ये सेशन वर्क शुरू किया उसमें आपको लाइक कितनी वो फ्रीडम मिलती थी कि आप गिटार पढ़ अपने हिसाब से बजाएं आपको बताया जा रहा था यही बजाएं बज दफ़ा देखो फ्रीडम मिलती थी और बाज दफ़ा जो सिंगर होता था उसकी बात सुननी पड़ती थी तो मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मशहूर मशहूर सिंगर्स हैं और ईस्टर्न क्लासिकल सिंगर्स वो बाकायदा अपनी लाइंस बताते थे, थे। और उसी वक्त आपको वो बजानी पड़ती थी क्योंकि उस हमारी को डबल करना है हमारे यहां तो कभी भी वो नहीं हुआ ना कि एक हफ्ता पहले आपको डेमो दिया जाए नहीं नहीं और के आप उसको रिहर्स करें और उसको फिर आप स्टूडियो में बजा दें जाके उस टाइम में ये होता था कि आपके सर पे खड़ा हुआ होता था वो आदमी और वो आपको कहता था ये बजाओ तो आधी चीजें आपकी वहीं पे सही हो जाती थी सही तो इम्प्रोवाइजेशन और ये सारी चीजें जो है ना वो इम्प्रूव हुई इस वजह से क्योंकि स्टूडियो में खड़े होकर अगर किसी की शिफ्ट चल रही है हुँ. मैंने ऐसी बजाई एक एक में पूरी पूरी एल्बम क्योंकि टाइम नहीं होता था हुँ. अब शिफ्ट मिली है उस बंदे को एक गिटार की शिफ्ट है यानी कि एक दो वोकल की शिफ्ट है उसे वोकल्स करने है एक बेस की हो गई एक एक शिफ्ट जो है उसमें सारी जो आपके और इसमें हमेशा अलग अलग बजता था

तो वो इस तरह होता था कि उसकी शिफ्ट होती थी और आपने रात से शुरू किया है तो आपको दस गाने सुबह तक <laughs> और बजट भी मतलब सुपर लो बजट हम इस तरह मतलब उस जमाने में हमने सारा म्यूजिक किया और आ, सीखा भी उसी हाँ। तो तो बर्कली में मुझे वो एक महीने इंस्ट्रूमेंटल बाद में वो दस में रिलीज हुआ था जो बाबर के साथ था मेरा और वो मैंने किस नाम से uh, चेरस्यूरो के नाम से हुँ. वो था और उसके बाद फिर वो uh, मैंने वो पहले इंस्ट्रोमेंटल बर्कली भेजा था कि मुझे किसी तरह वो मिल जाए तो मुझे टू थाउजेंड डॉलर पर सेमेस्टर उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी हुँ. लेकिन उसके बाद भी पैसे मुझे डालने थे हुँ. और uh, मतलब मैं नहीं कर सकता था हुँ. उस वक्त मतलब आप, इस... नहीं नहीं बहुत पहले ये मैं बात कर रहा हूँ की अच्छा अच्छा

मैं भूल गया था कि आप गए नहीं थे बट एक मज़ेदार अच्छा उसके बाद फिर खैर बहुत इस तरह के बहुत वाक्यात तो हुए हैं <laughs> नहीं बताएं बताएं हमें पता चले उसके बाद फिर आ, मैंने यूके का वीजा कोई अप्लाई किया तो स्टूडेंट अच्छा। वीजा मैंने कहा यार कोई कोर्स हो रहा है मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस करना था क्योंकि मैं बर्कले नहीं जा पाया निकलना था यहां से तो मैं मैंने अपनी गाड़ी हाँ, बेची और मैं मेरिटॉस वो भी और मैंने कहा नहीं मुझे करना है ये और मैं चला गया वहाँ पे और उस दौरान से पहले उन्होंने मुझे वीजा, वीजा रिफ्यूज कर दिया उससे पहले अच्छा फिर मेरा एक साल तक अपील में चलता रहा है वो वीज़ा और फिर उसके बाद मुझे वीजा मिला गया और उस अपील के टाइम के अंदर गिटार आइडल हुआ जिसमें मैं यूके में जाके मुझे परफॉर्म करना था सारे पेपर्स आ गए तो उन्होंने कहा कि आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी आपका केस चल रहा है कोर्ट में तो इस तरह की बैड लक जो है वो हमारे साथ शुरू से लगी रही हमने फर्स्ट वीडियो किया था इंसान का और सारा इक्विपमेंट चल गया था उसमें मेरा गिटार जेमी था माता तो उसका गिटार ये बाबर शेख के साथ हाँ किया था, ये तो हमारा स्टार्ट ऐसे हुआ था <laughs> और उस गिटार का मतलब ये था कि वो गिटार अब आएगा कैसे भाई पाकिस्तान तो बिल्कुल कटा हुआ था ना और आप जिसको बोलते थे कि यार गिटार ला दो तो वो समझता था कि इसकी हॉबी है कोई ये काम थोड़ी है इसका तो कोई सीरियस ही नहीं लेता था बड़ी मुश्किल से जाके वो फिर डी के एम जी गिटार आया तो फिर मैं दोबारा से बजाना शुरू वरना कोई ढंग का गिटार नहीं मिल रहा था यहाँ तो ये अब इंसान की वीडियो किस टॉकिंग यार इंसान का वीडियो मेरे ख्याल में 2001-2002-2002 टू थाउजेंड टू होगा तो मेजराब शुरू कब हुआ मिजराब शुरू हुआ था 97 में शायद नहीं नाइनटी में शायद और उसका ओरिजिनल लाइनअप क्या था ओरिजिनल लाइनअप जो पहली एल्बम हमने की थी वो हुआ ये कि उसके अंदर के आ, हम तीन बंदे थे उसमें हुँ. मैं गिटार और वोकल्स पे था आ, खालिद था bassist, bass, yeah. और एक आ, हमारे दोस्त हैं अफ्तर वो क्वेश्चन पे थे हुँ. तो वो आइडिया ऐसे आया था कि जैसे वो जैकलिन ने एक अंतलग किया था हुँ. तो मेरे दिमाग में वो साउंड थी खैर वो हमारा जब शुरू हुआ गाने अच्छा ये गाने जो पंछी और ये मायूसी और ये सारे गाने ये उसी एल्बम के गाने अच्छा तो जो विदाउट uh, हाँ, ड्रम्स तो मैंने हम लोगों का थोड़ा सा वो हो गया मैंने कहा तो रिलीज हो गई तो मैंने इसको फिर बाद में सोचा मैंने कहा यार इन गानों को दोबारा रीअरेंज करूंगा फिर मैंने वहाँ दिखा इसको रिय रीअरेंज करके दोबारा से वो सारी चीजें की लेकिन बात यह है कि लोग नहीं होते थे ना हाँ। अगर आप जैपलिन ज्यादा सोच रहे हैं आपके दिमाग में म्यूजिक है लेकिन आपके साथ म्यूजिशियन नहीं है अगर वो आ, क्या कहते हैं अगर आपके पास वो वो सेक्शन नहीं है पर्शियन टाइप का या उस तरह का तो आप किस तरह करेंगे और जमाने में तो वो कांटेक्ट की लाइब्रेरी भी नहीं थी हाँ। <laughs> ये तो <बात laughs> आपने वो बजा दिया उसे डाल दिया हाँ, हाँ, हाँ। एक उस एल्बम में मैंने एक आयरिश टाइप का सोलो बनाया था मेरे पास एक रोलैंड का मिडी था जी वन हंड्रेड या इस तरह कुछ था उस पर मैंने वायलिन का सोलो एक में लगा हाँ। मैंने इसको किया और फिर ईस्टर्न क्लासिकल और हाँ, मेलेडी बनवा रहे हैं उसके नोट्स ही हाथ से निकलते जा रहे हैं खैर उसने जितना बजाया फिर हमने वो रखा क्या करते हैं वो बीच में ग्रेस नोट्स होते हैं ना वो सारे खा गया वो ऊपर ऊपर से हाँ ऊपर से जो थे ना वो सब उसने वो कर दिया तो म, कहने का मकसद ये है कि लोगों को नहीं पता होता कि म्यूजिशन जो म्यूजिशियन है और चालीस साल या इससे भी ज़्यादा आप म्यूजिक कर रहे हैं तो वो किन किन आ, मसलों से गुजरा होगा मतलब आपके मसाइल नहीं पता यू you नो know, वैसे ही म्यूजिशियन के लिए मुश्किल है बट यू नो लाइक होते हैं जिस तरह आप हैं ज़रा ज़्यादा एक टेक्निकल एबिलिटी जिसने रीच कर लिया फिर उसका स्टैंडर्ड एक अलग हो जाता है लड़के जो बजाते हैं टेक्निकल भी हैं बट उनका दूसरी एंड पे उनका एक्सपीरियंस नहीं उनकी शायद नहीं या अगर हैं तो वो ज्यादा पैसे कमाने में इंटरेस्टेड होते हैं अपने आपको मतलब के काम उनका चलता रहे ना यार yeah, yeah. क्योंकि पता नहीं हाँ तो वर्ट आई मीन आपने इतना काम किया है और थीम मुझे यही नजर आती है कि डिसपॉइंटमेंट्स बहुत रही है बट वर्ष से अपने काम में से कौन सा एक कोई ऐसा काम है जो आपकी विजन से सबसे करीब आप एग्जीक्यूट कर पाए? यार जिस तरह मैं प्रॉग मेटल बजाता जाता हूँ वो मेरे विजन से बहुत करीब है क्योंकि अगर मैं तुमसे गानों की बात करूँ तो गाने मतलब एक पॉइंट तो बोरिंग हो जाते हैं तो और दूसरा सेक्शन आएगा वो कुछ और होना चाहिए हुँ. तो प्रॉक का जो शुरू हुआ ना वो वहां से शुरू हुआ हुँ. तो जब, जब आपकी सोच सेटिस्फाई नहीं हो रही थी मतलब वो कम्प्लीट आपके कम्प्लीट तो था वो लेकिन आपके लिए नहीं था ना तो आप कहते थे यार आगे एक्सटेंड कर हाँ कुछ होना चाहिए तो वो मुझे ज्यादा प्रॉक के अंदर नज़र आता है क्योंकि उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है मतलब कोई लिमिट नहीं है आप कोई जैज फ्यूजन टाइप का सेक्शन भी डाल सकते हैं आप कोई वेस्टर्न क्लासिकल कुछ कर सकते हैं मतलब इफंक कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं तो बाकी जो रेगुलर गाना होता है उसमें तो बेसिकली तीन चार पार्ट्स होते हैं गाने में और वही वही वो, वो रिपीट हो रहा होता है फॉर्मूला लगता है हाँ तो इस वजह से मेरे लिए ज्यादा एक्साइटमेंट ये रहती है कि कोई ऐसा म्यूजिक सुनू जिसमें चेंजेस आ रहे हों चेंजेस आ रहे और मेलोडिक भी हो और कहीं पे वो बैलेड हो जाए और Narrative मिलता है हाँ। तो आप सुने, वाइनल पे सुने ताकि आप स्किप ना कर सके यू नो तो फिर एंड तक वो एक घंटा या चालीस मिनट की एल्बम में आपको एक पूरी एक तो एक दिमाग कहीं और चला जाता है इन्वायरमेंट में चला जाता जैसे आप फिल्म देखते हैं तो आप स्विच ऑफ करके कहीं और चले जाते बट अगर आप तीन चार मिनट का गाना है तो आप कहाँ ही जा सकते देखो बात ये है <laughs> बात ये है अभी मैं इसको बता रहा था बाहर हम बैठे उठे जब कि एक्स्ट्रा पॉइंट भी जब मैंने की तो वो उसमें बेस लाइन मैंने क्योंकि मेरा क्यूवाई सेवेंटी था उसमें मैंने एक छोटी सी चीज़ होती है अब तो मोबाइल फोन आते हैं उस साइज के तो उस पर मैं बजाया करता था तो उस जमाने में मुझे एलन का बड़ा शौक चढ़ा हुआ था और मैंने उससे अब वीडियो देखा उसके साथ एक बेस प्लेट था उसको मुझे नाम नहीं पता बहुत ही मुश्किल नाम है उसका है। पता नहीं है तो रशियन है या कोई और ही नहीं था लेकिन वो बजाता बड़ा ज़बरदस्त था यार सिक्स रेंक बजा रहा था और आठ फिर उस मिक्स किए हुए उसने सारी चीज़ें तो मैंने कहा अब मैं बेस बजाऊँगा ना अगर मैं सीक्वेंस करूँगा तो मैं ऐसे करूँगा वो मैंने सीक्वेंस की वो एल्बम रिलीज हुई सब कुछ हुआ और आयो पेजेस एक डच मैगजीन है उन्होंने वो रिव्यू किया और उस बंदे ने सही बता रहा उस पकड़ लिया उसने रिव्यू के अंदर अच्छा। उसने कहा यार ये फराज़ ने बेस हाँ, हाँ, वो जो बेस प्लेयर था जिसका मुझे नाम भी नहीं लिया जा रहा लेकिन क्योंकि मैं अंदर समझा था नाइस ऑडियंस का ये होता है कि ऑडियंस ऐसी होती है जो थोड़ी अकलमंद हो ना हाँ। तो उनको वो एक फ्रेज भी सुनेंगे ना वो बता देंगे यार ये है ना यही तो जो मैंने बजाना छोड़ा बताया था तुम्हें तो उसकी रीजन यही है ना कि कोई तो एक चीज सही हो कोई एक चीज तो सही हो ना साउंड सिस्टम सही हो जाए लोग सुनने वाले सही हो जाए हाँ। मतलब क्या क्या कहा, कहा से, जैसे हाँ। में दस हजार मसले हैं हाँ। मतलब ऐसी उलझी हुई केबल्स हैं जिसका आपको ना पता होता है कि शुरू कहां से सुलझाएं कहां से कि आप किस पॉइंट से शुरू करें म्यूजिक का भी यही हाल है बिल्कुल और आप उनको कैसे एजुकेट करेंगे हमने तो बड़ी कोशिश की हम सोचते थे कि यार कुछ पाकिस्तान में चेंज आएगा ये म्यूजिक करेंगे थोड़ा डिफरेंट तो कुछ होगा कुछ तो भी नहीं हुआ सब वैसे चल रहा है हाँ आई मीन ऑन सोसाइटल स्केल तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ यही कह सकते हैं बट यू नो अगर आप नहीं होते हाँ तो आई थिंक यहाँ गिटार प्लेयर भी आज जो है कम होते <laughs> मैं, मैं... मैं बहुत यहाँ तो हर जुमे को जैम होता है और हर जुमे को नए प्लेयर्स से मिलता हूँ यंग भी होते हैं कुछ थर्टीज में होते हैं कुछ फोर्टीज में होते हैं बट जितना मैंने आपका नाम सुना है ना कि फराज भाई को देखकर मैंने शुरू किया ये सबसे कॉमन यही है या फराज अनवर या सलमान अनवर और ऑब्वियसली फिर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक बजाते हैं जो फराज को सुनते आए हैं या फिर जो जुनून को सुनते हैं हाँ अब देखो उसमें ये बात है कि अब जो नए बच्चे हैं अगर वो सुनते हैं सरा तो उनको

भले <laughs> से वो की सेंस बनाए या ना बनाए हाँ बिल्कुल लेकिन उस पर प्रेशर होता था कि यार ये ही इसी तरह ही है हाँ, तो लोग इस तरह इस पोजिशन में ना डाले ना बिल्कुल हु, नहीं वो इट्स ऑफन अनफॉर्चुनेट के मतलब बिकॉज आप हैं एक आप केपेबल हैं श्रेडिंग के तो आपको इसी नजरिए से लोग

अम का चक्कर है और वो हाँ। जो है आप बस डांस डांस करते रहे तो आप सुन क्या रहे हैं मतलब एक एवोल्यूशन प्रॉग की दूसरी जो बात है यू नो कि अब एक तरफ है एसीडीसी जो पचास साल से एक ही एल्बम बना रहे हैं ठीक हाँ? है दूसरी तरफ मतलब जो प्रॉग बैंड्स हैं या जो बैंड्स जिसमें एक्चुअल आर्टिस्ट हैं जो एक चीज जब एक दफा उन्होंने कह दी फिर उन्होंने वो रिपीट नहीं करनी उन्हें तो कुछ और कहना है और अगर कुछ और कहना है तो नेचुरली उसके तो मत, मतलब आतिफ का वो चल गया गाना तो बस वही रिपीट करना है मैं, तो, मैं, तो, मैं, तो, मैं दो कैटेगरी के अंदर डालता हूँ एक एंटरटेनर्स होते हैं और एक आर्टिस्ट हो बिल्कुल यही है ठीक है अब एंटरटेनर्स हमारे यहाँ ज्यादा है ठीक है ज्यादातर यही तो उनको पैसे बनाने हैं जो और जो आर्टिस्ट हैं वो ये चीज नहीं सोचते क्योंकि उनकी बिजनेस साइड होती है yeah. वो अलग है yeah. और अपनी जो आर्टिस्टिक साइड है hmm. वो अलग है yeah. तो वो जो दूसरी आर्टिस्टिक साइड है ना जिसकी नहीं है hmm. तो वो फिर एंटरटेनर है hmm. उसकी निशानी ये और अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने लोग उनको ज्यादा ऑब्वियसली uh, वो वो क्योंकि ऑडियंस audience... सब कुछ कर रहे हैं हाँ मेरा ख्याल ये ये है है कि म्यूजिक में नहीं है तुम बड़े से बड़ा कोई पेंटर देखोगे या कुछ देखोगे चाहे वो जिस सोसाइटी में भी रहता हो चाहे वो फ्रांस में हो या कहीं पे भी हो उसको समझने वाले लोग जो है ना वो मेजोरिटी नहीं होती हमेशा माइनॉरिटी ही होती है बिकॉज बाय फंडामेंटली ना आर्टिस्ट का काम क्या है आर्टिस्ट का काम सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उसको अब्जोर्व करके किसी तरह उसको एक नए नजरिए में कुछ नई सोच उन लोगों के लिए जिस के समझ आ जिसको समझ आती है हाँ। और वो ज्यादातर ओवर थिंकर और डिप्रेस लोग ही होते हैं हाँ। यू नो जिनको जिनको असलियत समझ आई होती है और और फिर यही है कि नजर आ गया क्या है और फिर तबाही मतलब वो उन लोगों you know? के जो ऑब्जर्व करने वाले हैं ना हाँ। जो आपकी जो भी चल रहा है सब कुछ या बट इट्स फनी मतलब एक जिस एरा से हम मतलब आप मुझसे भी बड़े हैं ऑब्वियसली बट हम दोनों एक थोड़े एरा से गुजरे जहां जेन्यून आर्टिस्ट मैथ स्केल पे किसी तरह पॉपुलर हुए यू नो पिंक फ्लॉयड हुआ hmm. या जो भी आप हाँ आर्टिस्ट hmm. के नाम ले रहे थे यू नो इन्होंने एक्चुअल जेन्यून काम किया है दिल hmm. से किया है कुछ कोई उनको बता नहीं रहा था कि ah, क्या करें और उन्होंने मैथ ऑडियंस ढूंढी है hmm. ये काम इस तरह में किस तरह हो सकता है यार नहीं मैं अभी तुम्हारी बातों में मुझे hmm. याद आया कि जैसे हम मैं मेरी 76 की खुली सही तरह तो मैंने सेवेंटीज का भी तो सुना है ना क्योंकि वो अच्छा म्यूजिक था अभी तक है। लेकिन अब की जनरेशन जो है वो परसेंटेज बहुत कम हो गई है मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है लेकिन उसकी परसेंटेज कुछ बनती ही नहीं है इतना पीछे जाए नहीं रहे जा नहीं रहे देख नहीं रहे कि हाँ, क्या हुआ हाँ, हिस्ट्री क्या है एवोल्यूशन क्या है तो वो बस अपने एक्चुअली वो वो है एक पॉइंट पे जाके पीछे जाने जाने तो मैं तुम्हें बताऊं मैं जब यहाँ के बैंड्स को सुनता था तो मैं फॉरन ही रिजेक्ट करता था तो उसकी रीजन ये है कि वो कम्प्लीट नहीं साउंड करता था जैसे जुनून को ये हमेशा रॉक बैंड कहते थे सारे दोस्त हैं मैं ये नहीं कह रहा है लेकिन बात यह है कि वो प्रॉपर रॉक बैंड नहीं था

तो वहाँ से वो चीज गलत हो जाती है तो वो लोगों को पहले पूरा पता ही नहीं लगा ना कि ये ये फॉर्म है वो एक्सेस मतलब ही नहीं था पीटीवी था तो कुछ और ना कोई चीज है तो नहीं था हाँ तो लिसनर्स के पैलेट वही थी जो पीटीवी पे आ रही थी तो लिहाजा वाइटल साइंस दूसरे मतलब रेड रेड वाइन्स लेकर एक एक सब गाने उन्होंने कॉपी करके उर्दू में करके प्रेजेंट किए हैं तो लोगों को तो नया राइट उनको पता ही नहीं है कि पीछे क्या है लेकिन अब ये नहीं हो सकता अब वो दौर चेंज हो गया बट अनफॉर्चुनेटली साथ साथ लिसनिंग भी जो इवॉल्व हुई है वो एक तरफ गई है और बहुत सी चीजें मिस हो गई यहाँ जानराज नहीं बने यहाँ बस एक मेन स्ट्रीम ही चला

तो उस चक्कर में लोगों ने फिर भी सुन लिया hmm. और इम्पोर्टेंट चीज एक और ये है कि मैंने पॉप म्यूजिक भी एटीज का बहुत hmm. yes, हाँ। hmm. तो वो भी मेरे अंदर था hmm. तो अगर मैंने जैसे उजालों में टाइप के गाने बनाए hmm. तो उन गानों ने मुझे बहुत फायदा दिया hmm. कि एक साइड तो वो हो गई ना जो आपकी हैवी है आग hmm. आग हो गया या पंछी हो गया जो हैवी गाने हैं उसके साथ साथ मैंने पॉप भी

Nothing else matters किया, नहीं। या तो एक आपका एक साइड ही तो है उनकी समझ में ही नहीं आएगा <laughs> you know? हाँ, हाँ। मतलब हाँ। ना लेकिन बॉक्सेंट कर लेते हैं आपको लेकिन वो कहीं ना कहीं म्यूजिक के अंदर वो चीज चल रही चलिए तो अब अब आप आजकल क्या कहते हैं नापा में हाँ सिखा रहे हैं। बिल्कुल लेकिन आपका टीचिंग से काफी अरसे से रहा है आप प्राइवेट सेशंस करते रहे हैं। मैंने यार काफ़ी लोगों की हेल्प की है मतलब गिटार सिखाने में और टेक्निकल जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होते थे वो भी मैंने काफ़ी लोगों के उस तरह हाल के मतलब नाम बताना वो सही नहीं है लेकिन ये कि इस तरह चीजें हुई हैं लेकिन टीचिंग की तरफ मैं इतना था नहीं बेसिकली दोस्त यार ही थे सारे तो कोई आता होते यार ये ये कैसे कर रहे हो तो बता दिया कि अच्छा यार ये ऐसे हो रहा है या। तो वो वाला चक्कर था लेकिन टीचिंग मैंने अब शुरू किया है वो इसलिए क्योंकि अब मुझे लाइफ बजाने से इंटरेस्ट नहीं, नहीं रहा और अगर ये शुरू से मेरे पास होती ये अपॉर्चुनिटी अगर मैं लेसन्स दे पाता क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मुझे कुछ नहीं पता होती थी बाद में खुद पढ़ी है के और इस इस सारी सारी चीजें चीजें देखी हैं कि अच्छा ये इस तरह, है, इस तरह है, सारी तो वो तो हाँ ये इस तरह जो है अगर वो मुझे मिली होती तो मैं कभी भी किसी के साथ भी नहीं बजाता <laughs> म्यूजिक कर रहा होता तो एट वट पॉइंट At what point in your playing did you think theory be important as uh, study karna? Yeah, uh, in, basically main baja tha, हाँ, मुझे पता तो था हाँ, बस नाम से नहीं पता होता था हाँ, जैसे अब modes वगैरह आप कर रहे होते हैं तो आपको positions सारी पता है ना वो सारे majors के लिए है जब आप उनको एक एक देते हैं, तो आपको पता लगता है अच्छा ये मोड है हाँ, तो वो चीज़ें जो हैं वो ज्यादा फिर understand करने में communicate करने में ज्यादा आसान रही वरना मुझे अंदर से तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन अभी भी मैं तुम्हें बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नेचुरली मेरे अंदर हैं मैं जिस तरह सीक्वेंस करता हूँ ना वो कभी तुम देखोगे ना तुम बोलोगे कि यार ये किस तरह कर रहा है, <laughs> है। <laughs> <laughs> मतलब आप बाय एयर ही कर रहे हैं बाय एयर कर रहा हूँ और मुझे की पे पर कॉर्ड्स भी नहीं आते और मैं वो कॉर्ड जो है बाई एयर जो है मुझे पता होता है चाहिए नहीं है अगर मैं स्ट्रेंस uh, अगर मैं डिजाइन करूँ तो कभी मैं एक ट्रैक में नहीं करता की बोर्ड प्लेयर की तो ये चीजें जो हैं ये पता ही नेचुरली है कि ये इस तरह होना चाहिए या कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे बजता है क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा तो उस वक्त तक आप वो सीक्वेंस नहीं कर सकते हाँ तो वो मैं सीक्वेंसिंग हमेशा ऐसे ही करना चाहता था कि कि लगे कोई ड्रमर बजा रहा है लगे कोई बेस प्लेयर बजा रहा है और वो जो मतलब उनको लगा भी यार यार है वो उनको ये, हाँ ये, ये, ये सारी चीजें के हिसाब से क्योंकि सैंपल्स भी चेंज होते रहते हैं ना आ, हर टाइम में सैंपल चेंज आ, होते हैं बेहतर होते हाँ बेहतर होते जाते हैं तो आप तो बहुत बेहतर है अब तो आप किसी को भी फोन कर सकते हैं जो Going back to teaching, जो आपका एक तजर्बा रहा है उसमें आप क्या कहेंगे कि लाइक इफ यूर यू नो किस जनरल एडवाइस टू यंग प्लेयर्स जो सीखने जा रहे हैं तो आपने क्या कॉमन इश्यूज़ देखे हैं या आप की बहुत सारे बहुत सारे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं नेचुरली कर रहा होता था जो मतलब आपको खुद को नहीं पता होता ये अच्छा सीख लिया आपने हाँ लेकिन कोई अगर क्वेश्चन करता तो फिर आपको बताना तो पड़ता है सोचना पड़ता है कि अच्छा यार ये जैसे सब डिविजन्स है, अभी मैं बात हो रही थी तो सब डिविजन लोगों को नहीं पता होता मेट्रोनोम का लोगों को नहीं पता होता कि कितने नोट्स बजाने हैं और जब आप सोलो कर रहे होते हैं या कोई गाने की मेलेडी डिजाइन कर रहे होते हैं तो सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड हुई भी होती है तो वो लोगों को ये चीजें अब मुझे तो अपने आप को नहीं समझाने की जरूरत ना लेकिन अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं फिर तो आपको उसकी थी काउंट पकड़ना पड़ेगा कि थ्री नोट्स कौन से हैं और उसको बताने के लिए तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का चक्कर आ गया तो यही मैं कह रहा हूँ आप आपको खुद को तो पता होता है लेकिन अगर आपने किसी से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए फिर वो लेसन उस तरह हो जाते हैं बिल्कुल लेकिन अब यू नो आप के साथ आपने बुझाया तो मुझे भी तो बचपन में जब शुरू में सीख रहा था यही लग रहा था कि टैब बुक या बुक से अगर आप देखें आराम आराम से आप गाना निकाल रहे हैं फिर प्रैक्टिस कर रहे बट अगर आपको अपने सामने बैठे हुए कोई नजर आ जाए जो बाजार फिर वो प्रोसेस लाइक फास्ट ट्रैक हो जाता है दो में देखो हमेशा ये होता है कि आप अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं सही है उस पर बात कर सकते हैं जब आप अकेले होते हैं तो फिर आप अकेले होते हैं हाँ। अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है और हाँ। आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा है हाँ। या वो आपसे कुछ पूछ रहा है या आप उससे कुछ पूछ हाँ। रहे हैं तो आप दोनों सीख रहे हैं एक दूसरे से बिल्कुल तो ये जरूरी है हाँ। कि एक वो इंटरेक्शन इंटरेक्शन हाँ, जरूरी है उस हाँ। बात करना जरूरी है हाँ। क्योंकि वो और ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल की दुनिया में ऐसा कोई बंदा आपको मिल जाए जैसे आप बात कर सकें क्योंकि ज्यादा लोग जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं वो कोई समझता नहीं है तो कसूर उनका भी नहीं है उनको तो ही ब्लेम करता हाँ बत... लेकिन हमारा भी नहीं है ना यार हम भी या। तो यही पैदा हुए हैं न या। या। इसी मुल्क में पैदा हुए हैं तो वो ये है कि आप जब दो होते हैं एक जैसे जो म्यूजिक आपने सुना हुआ एक जैसा हो या सारी चीज तो आपको मतलब बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत भी नहीं होती हाँ वो जैसे अगर अगर आप अंडरस्टैंडिंग की बात करें जैसे आप अगर आप किसी को देखें और वो आपकी सिर्फ आप बोले भी ना और वो समझ जाए तो ये इस दुनिया में बहुत बड़ी बात है आजकल लोगों को पकड़ के बताना पड़ता है आपको देखो भाई ये ना करो या हाँ 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 हाँ। ये इस तरह ना हो बट हाँ। वो केमिस्ट्री मतलब, शुरू में नहीं होती हाँ। अगर आप अगर किसी के साथ बैंड बनाए या थोड़ा अरसा नो उठना बैठना करें चाय घरे चाहे गपशप लगाए तो वो एक केमिस्ट्री बनती भी है ओवर टाइम बट अनफॉर्चुनेटली टाइम्स इतनी पेशेंस भी नहीं होती लोगों में हाँ. कि वो बस किसी चीज में इन्वेस्ट करें you know, सुने वो एक जो है, वो है या चार है वो अपने एक दूसरे के साथ बहुत अरसे से बजाए बजा रहे हैं you know? उस लाइक like, जैसे पैंटेरा था हुँ. वो दोनों भाई थे हुँ. और बीच में वो रेक्स आ गया तो और उसको हाँ, मेरा, मेरा कभी भी वैसे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा ना क्योंकि हुँ. मैंने हमेशा मैं अलग ही रह गया क्योंकि जिस तरह के म्यूजिक मैं सुनता था उसमें बहुत सारा म्यूजिक तो वो अदनान भी नहीं सुनता था जैसे एयर सप्लाई एक बैंड है वो अदनान भी <laughs> सुनता था तो बहुत सारे हैं तो वो फिर आदमी जो है ना अकेला रह रहा होता है फिर वो सोचता है कि यार मैं खुद ही कर ये चीज़ें क्योंकि कोई और नहीं करेगा और, और अगर किसी का मैंने वेट किया तो फिर मैं म्यूजिक नहीं बना पाऊंगा तो सबसे पहले मैंने एस आर सिक्सटीन ली थी ड्रम मशीन एलिस की वो जो आती थी एक फोर ट्रैक रिकॉर्डर लिया था किसरेट रिकॉर्डर उस पर मैं अपने डैमोज बनाया करता था हुँ. तो वहाँ से सीक्वेंसिंग का स्टार्ट हुआ था उसके बाद फिर वो क्यू आई सेवेंटी आ गया छोटा की बोर्ड मैंने कहा अच्छा इसमें ट्रैक्स हैं मैंने <laughs> ट्रैक्स जो है मैं इसमें अरेंजमेंट कर सकता हूँ टोन सेलेक्ट कर सकता हूँ सारी चीज़ें क्योंकि उस वक्त मेरे पास सिर्फ ड्रमें चाहिए थी, थी। yeah. ड्रम्स की साउंड आती थी उसमें से तो उस तरह करके फिर वो चले गए फिर नेक्स्ट स्टेप था वो कंप्यूटर ले लिया और वो वो भी मुझे करना नहीं था लेकिन उस टाइम में रिकॉर्ड करने के लिए किसी ने बुलाया और वो वहां पे बदतमीजी शुरू हो गई तो उसके बाद फिर वो छोड़ दिया फिर कहा कि अब ये भी करना है तो फिर वो करना शुरू कर दिया तो एट व्हाट पॉइंट आपने रिक, अपनी रिकॉर्डिंग प्रोडक्शन अपने हाथ में ले ली यार एल्बम तक जो है ना जेमी जिंदा था तो वो सारा मिक्स किया करता था जो भी हमारे पास लिमिटेड एक सेटअप uh, था मतलब मेरे पास वी तो था सारी ट्रैकिंग मैंने वी से की थी उस एल्बम पे साउंड uh, कार्ड हमारे पास था क्रिएटिव का मल्टी जो साउंड कार्ड होता है वो था और हाई फाई स्पीकर और एक पी थी था सेवन हंड्रेड मैगट आज तक आता है मुझे <laughs> जो तो जो, जो मैंने जब वो आया था तो तबाही चीज थी हाँ, <laughs> वो भी मैंने बेसिकली क्रेडिट कार्ड पे लिया था फादर हाँ, को बोला था यार मुझे ये दिला दें हां तो मैं उसका वो फिर इंटरेस्ट पता नहीं कब तक देता रहूंगा मैं हां उस पे लेकिन वो अगर मैं नहीं लेता तो वो फिर एल्बम ये कौन से साल में ये अर्ली 2000 की बात हाँ, है हां 2000 and 2001 टाइप हाँ, लग रहा हूं फिर कंप्यूटर आ गया कमरे के अंदर तो मैं बॉक्सेस देख रहा हूँ जिंदगी में कभी इंटरनेट नहीं चलायाट चलातेने थे लॉग थे, मेरी फर कनेक्शन ही टूट गया तो वो फिर बॉक्सेस आए वो देखा मैंने मैंने कहा अच्छा ये माउस है ये है या वो है फिर वो एक दोस्त ने मुझसे कहा यार मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर डाल दूंगा वो आ ही नहीं रहा दोस्त गुजर गए फिर वो आया उसमें आके डाले वो उस वक्त क्या फ्रूटी लूप्स पे था उसको नहीं नहीं के, वो था केक केक वॉक वॉक एट था या नाइन था और डी एस पी प्लग होते थे वो डायरेक्ट एक्स वाले प्लग थे वो चलते थे उस पर खैर उस पर वो हमने एल्बम की उसके बाद फिर मॉनिटर्स मेरे पास जन लग के मैंने कहा यार अब ये लेने पड़ेंगे हुँ. तो वो फिर मुझे अली हैदर के साथ में बजाता था उसने मुझसे कहा यार तुम्हें कुछ लेना है तो तुम तो मुझे बता देना क्योंकि तुम तो मेरा काम भी करते हो तो देख लेना कोई बात नहीं है हाँ। मैंने कहा यार अली ये लेना ये सबसे इम्पोर्टेंट है अभी तो मतलब इसके बगैर मतलब मिक्स ही नहीं हो सकता हूँ फिर वो लिया उसके बाद फिर जब एल्बम उस पर सुनी है तो हमने कानू हाथ लगा लिया हमने कहा ये क्या रिकॉर्ड किया था सब खुल गए और हाँ। तो उसके बाद हाँ। दे... हाँ तो मिड स्कूल हाँ। के साथ दे ईक्यू पे ईक्यू दे ईक्यू पे ईक्यू जो है फिर उसमें मार मार के जो है ना वो फिर उस साल में एल्बम वो निकली अच्छा लेकिन बहुत ही लिमिटेड हमारे पास ऑप्शन थे माइक मैं एक साउंड वाला था उससे लेता था एच एम भी नहीं था मेरे पास उससे रिकॉर्ड किए वो घर में तो वो कर कर के जो है वो एल्बम किस तरह रिलीज हुई और सिर्फ ये हुआ इसलिए कि किसी ने प्रॉमिस किया था कि वो एल्बम रिकॉर्ड करेगा और उसने एल्बम रिकॉर्ड नहीं की और story. और उसने एंड करने के लिए बदतमीजी कर दी तो वो फिर फिर ऑप्शन नहीं बचाना ना। जब आपके पास तो ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपको करना ही पड़ता है बिल्कुल तो ये रीज़न थी कि जो मैं आज तक अकेला काम करता चलेगा मतलब मैंने किसी का वेट नहीं किया ना किसी बैंड मेंबर्स को मैंने वो किया मैंने कहा भाई ये करो बस करते रहो जो मैं बना रहा हूँ इसको साथ साथ देखते रहो अभी फिलहाल यही है क्योंकि मेरे पास वो लग्जरी नहीं थी कि म्यूजिशिय उस तरह वाले हों साथ और आप क्योंकि नए बच्चे हैं लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं उस पर आप कुछ नहीं कह सकते हाँ खैर देखा जाएगा कुछ तो इनशा आई थिंक हम कर पाएंगे बट यू नो आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड

आपने इतने गिग्स हर है आपका बेस्ट मेमोरी क्या है कौन से गए साउंड शायद बेहतर हो यार ऑडियंस अच्छी हो बहुत ज्यादा गिग्स बजाए हैं लेकिन आ, अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने वैमली में ही बजाया है, मैंने हर जगह बजाया हुआ में किसके साथ लेकिन हाँ इसलिए मैं बताता नहीं <laughs> कि वो जो बाहर देसी शोज होते हैं ना हाँ. जिस ये सारे बैंड्स और हमारे सारे सोलो आर्टिस्ट जाके वहाँ पे बड़ी उससे कर रहे होते हैं कि जी हमने यहाँ परफॉर्म किया हमने फैमिली में बजाया हमने ये किया नहीं, नहीं बताना चाहिए <laughs> तो वैसे तो बहुत किया है हुँ. लेकिन मुझे मेरा जो सबसे अच्छा जो मुझे टाइम लगा ना वो जब मैंने डस्ट की सेकेंड एल्बम की थी और वो चेक रिपब्लिक में रिलीज हुई थी तो जब बाबर के साथ था मेरा तो वो हमने कोई किए थे कोई बारह शोस या तेरह शोस चेक में अच्छा जस्ट इन चेक क्या अराउंड यूरोप नहीं हमने जर्मनी भी जाना था उसमें जर्मनी का मुझे वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था पता नहीं किस चक्कर में अच्छा तो फिर हमने चेक पे ही सारा हुँ, हुँ। किया लेकिन वो मेरे लिए सबसे अच्छा था मतलब तुम सोचो कि वहाँ पे हमारे पोस्टर तो लगे हुए दीवारों पे आप सीडी शॉप पे जाएँ तो हमारी सीडी मौजूद है वहाँ पे और आ, और दो तीन शो के बाद तो हम वहाँ पे थोड़ा मशहूर भी होना शुरू हो गए कि हम कहीं अगर डाउन टाउन में घूम रहे हैं उनके किसी ने आवाज़ लगा लो, दी वाह तो पहला शो जो हमने बजाया था वो सारे बड़े बैंड बैंड उसका सोना टेक्सचर जो है वो वो था उसके अंदर मोर्टियस था एक वो अपना नॉर्वे का आर्टिस्ट था एल्केमि था एक बैंड कोई ऑस्ट्रेलिया था तो बड़ा शो था वो नाइस

ठीक देख लेकिन वो आ, इनको टेक्स्टर वालों को बड़ा अच्छा लगा बाद में आए तो अम्मी भी बड़ी खुशी हुई कि यार ये कि हम पहली दफा आके बजा रहे हैं और ये इतना वेलकम कर रहे हैं और उससे बात होती रही उससे शायद अगर हम वहां पे होते या वहीं पे रह रहे होते तो आज टेक्सचर जितना बड़ा बैंड है उस वक्त इतना बड़ा बैंड नहीं था वो और वो ये यही सारा वो जेंटमेंट टाइप का म्यूजिक है उनका बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम में हमने उनको देखा तो वो क्या परफॉर्मर थे यार वो

Uh, मतलब फैंस आ जाते थे हुँ. गिटार प्लेंग सुनते थे वो आ जाते थे मेरे पास हुँ. और इतनी रिस्पेक्ट से मुझे किसी ने मुझे डीवीडी दे दी गिफ्ट में रश की एरिक क्लैफ्टन की लाइव शोज की जबरदस्त <laughs> मतलब इस तरह वाला सीन था तो आपने जो कमिंग टू द अदर एंड ऑफ द स्केल बेस्ट आपने शो किसका देखा लाइव लाइव किसी और का यार अलग अलग हैं uh, मैंने वैसे इतने शोज नहीं देखे मैं पहले बता दूँ हाँ लेकिन मैंने एलन का शो देखा था रॉनी स्पॉट्स में लकी मतलब आपने देखा हाँ, वो लकी में इस तरह भी था हाँ। कि वो कहीं आ रहा था लंडन से बहुत दूर की जगह थी हाँ। फिर एकदम से एक दिन पहले अनाउंस हो गया कि नहीं वो यहाँ आ रहा है तो इस तरह हम देखने गए लेकिन यार कोई शो था वो जिमी जॉनसन बेस पे था गैरी हसबेंड ड्रम्स पे था और तीन लोग थे ट्रियो था और उन्होंने कुछ बजाया है और 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 रॉनी स्कॉट्स भी भी इतना मजेदार हाँ। मतलब छोटा सा आ, सब सुनने वाले सिर्फ लोग होते <laughs> और अभी अमेरिका में में मैंने इंग्वे का देखा तो उसमें बहुत मुझे मजा आया क्योंकि वो बचपन पे देखता था टीवी के ऊपर हाँ। सामने से जब मैं जो मेरा दोस्त भी एक तरीके आच्छा, से आच्छा, और तो वो पहले से हमने मैंने उससे बात कहा कह तो कह तो अच्छा, हाँ, उसमें रैड भी था योर लव गाना था तो, और वो डाउन दो गाने थे मैं वैसे रैड इतना सुनता नहीं हूँ लेकिन दो गाने मैंने इनके बहुत सुने पूरा बैंड के साथ मिला मैं तस्वीर भी खिंचवाई ये वो मैं तो यकीन ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है That's और amazing. फिर जॉर्डन मुझसे कहा वो अच्छी बात ही है अगर तुम इधर हो तो कह रहे कभी जाएं हम करते हैं कुछ करते हैं हाँ दैट्स अमेजिंग तो मतलब यू नो वन ऑफ द थिंग्स इज यूव मैनेज्ड टू प्ले विद सम ऑफ द बिगेस्ट एक्ट यू नो स्ट्रिंग्स के साथ आपने hmm. बजाया शुरू में hmm. नूरी के साथ भी बाद में बजाया hmm. सجاد अली के साथ, hmm. के साथ इन सब में क्या कहते हैं आपको मतलब एज अ सेशन प्लेयर एंड एज समवन एज यू नो आप म्यूजिक कुछ और है और ये कुछ और है। तो आपको उस काम करने में मतलब हाउज इट फॉर यू इन साइड ये मैं सिर्फ एक यू you नो know, रोजी रोटी के लिए काम कर रहा हूं या इन इसको किसी तरह मैं बेहतर कर सकता हूँ इस म्यूजिक को खुद बजा के वो पूरा रोजी रोटी के लिए बिजनेस वाली जो साइड थी ना वो थी और एक दफा स्टेज पे ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा हाँ कि मैं क्या कर रहा हूँ हाँ मुझे पता नहीं अजीब लगा वहाँ पर क्योंकि वो जो ऑडियंस आई हुई थी और वो जो एक माहौल बना हुआ था वो किसी को बॉडर नहीं कर रहा था सिवाय मेरे और मुझे लगा कि मैं यहाँ पे गिर जाऊँगा तो उसके बाद भी मैंने काफी टाइम तक इस तरह करता रह, बजाता रहा बताता रहा लोगों के साथ लेकिन अब ये जब टीचिंग साइड शुरू हुई तो मैंने कहा नहीं यार ये अगर, अगर अब ये किया तो मेरी पता नहीं कुछ हो सकता है क्योंकि अब वो एज भी उस तरह नहीं है और सारी चीजें तो इसलिए मैंने आ, जो है वो फिर लोगों को मना करना शुरू कर दिया कि ये मैं नहीं कर सकता अब रीजन क्या बता देंगे आप लोगों को yeah. लेकिन आप अंदर से ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं यार ये तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ ये जबरदस्ती तो करवा रहे हैं मुझसे ये एक मतलब like हाँ I mean, तो आप जब आप फोर्स हो रहे हैं ना किसी चीज के लिए तो वो फिर वो पॉइंट आ जाता है कि आप बोलते हैं कि नहीं यार अब नहीं हो सकता है अब बेहतर है कि आप टीचिंग कर लें और अपना म्यूजिक तो जिस तरह है उसको ना चेंज करें जिस हाँ। तरह है उसको आपने इसी तरह करना है हाँ। बीच में मैंने आपको एक एक शो में देखा था विद साउंड्स ऑफ कोलाची व्हेन वो भी बहुत टाइम हो गया हाँ. वो तो 2018 से पहले की बात है हाँ हाँ बट एटलीस्ट उसमें ये था कि मतलब यू नो आहद था ड्राम्स पे आई थिंक तो एक एटलीस्ट एज ए लिस्नर ये था कि मतलब हमारे मुल्क के बेहतरीन गिटारे से एक बजा रहे हैं और बेहतर बेहतरीन ड्रमर साथ बजा बजाए तो वो एक फीलिंग थी कि यार ये कुछ कूल cool चीज़ हो रही है हाँ वो देखने वालों के लिए होती है ना कूल cool चीज़ हाँ। लेकिन अंदर से आप क्या फील कर रहे होते हैं इस, इस म्यूज़िक में है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं एक अंदर की पॉलिटिक्स है लोग जैलस बहुत ज़्यादा होते हैं मुझे अक्सर फोन कॉल्स भी आ रही होती हैं आज से नहीं आ रही बहुत पहले से आ रही हैं लोग घरों के चक्कर लगा रहे होते हैं तो एक एक बहुत अजीब सा एक सीन है कि यानी कि आप आर्टिस्ट हैं ठीक है एक मशहूर आदमी जो होता है जो फेमस होता है वो अपने साथ हाँ गार्ड रख सकता है आप नहीं रख सकते कभी किसी ने कुछ कर दिया कर दिया क्या करेंगे आप तो ये चीजें आप होती आपको कभी इस 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 खौफ में आप रहे हैं बहुत, कुछ कर लेकुल भाई किसी कोई आप कोई गलत बात समझ ले या कुछ और वो कर ले इस इस की वजह से आई मीन बिकॉज आप सोशली और मतलब हम नथिंग टू ब्लेम यू फॉर बट मतलब यू आर नॉट द इजिएस्ट पर्सन टू गेट इन टच विद यू नो Hmm. और बिकॉज मेरा मकसद तो सिर्फ आर्टिस्ट के साथ काम करना है एंड यू आर वन ऑफ द आर्टिस्ट मेरे लिए तो वो सिंपल है बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप अपने आप को दूर रखते हैं चीजों से मैं इसलिए दूर रख रहा हूँ ना hmm. उसकी रीजन है hmm. वो यही रीजन है hmm. कि जब आपको लगता है कि ऑब्वियसली कोई कुछ भी कर सकता है या और कोई कुछ भी सोच सकता है सोच सकता है और वो आपको मैसेज करके बोल रहा है तो अच्छा आपको हेट मैसेजेस हाँ आते हैं आते हैं बहुत ज्यादा आते हैं uh, मेरे अपने स्टूडेंट्स में से एक कोई बंदा था उसने किसी कॉन्सर्ट में मुझे कुछ कह दिया था अच्छा मुझे तो ये ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली मैं सेंसिटिव आदमी हूँ तो मुझे लग जाती हैं ऐसी चीजें है। अगर मैं स्टेज पर बजा रहा हूँ तो वो मेरा अपना मामला है मैं जिस तरह बजा रहा हूँ मैं तेज बजाऊँ स्लो बजाऊँ या कुछ भी करूँगा लेकिन एक बंदा जो ऑडियंस में खड़ा है वो अगर आपसे चैलिस हो रहा है कि यार मैंने भी तो किया था ये मुझे क्यों नहीं मिला इसका तो आपके पास आ, कोई सोल्यूशन नहीं है नहीं। और वो आपको कॉन्सर्ट के बाद बोले कि यार मैं आपको दस साल बाद देखूंगा या मैं आपको छह साल बाद देखूंगा और उसके बाद आके आपसे गिटार सीख रहा <laughs> और आप उसको आप जानते बूझते भी कि यार ये वही बंदा है आप उसको लेसन दे रहे हैं नहीं वो तो फिर यू नो you know, किसी को मैंने साल लेकिन यार आप कर क्या रहे हैं दूसरों के साथ क्यों कर रहे हैं आप नहीं लोग सोचते नहीं है ना कि उस पर हमारे लोग वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन काफी ज्यादा जो है नागेटिव नेगेटिव सेल्फिश अच्छा मैं 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 जब गिटार सीखता था हुँ. तो मैं अगर पॉल गिटब को देखूं जो कि मुझे तो उसको कुछ नहीं आता था ना हुँ. मैं तो सीख रहा था हुँ. तो अगर मैं ये लेके जैलिस होकर बैठ जाऊँ कि नहीं यार ये करूँगा ना कि हुँ. मैं बोलूँगा यार मैं अपने आप को इतना अच्छा करूँ कि हुँ. मैं ऐसा हो जाऊँ या मैं ऐसे आगे निकल जाऊँ ये तो हो सकता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बोलें कि नहीं यार ये तो

एक्सटेंशन uh, बोर्ड अपनी अलग कर ली वो उसको भी रहने दी जो रखी हुई थी हुँ. और सारी जो बोर्ड्स थे वो अपने अलग कर लिए तो उसने जब बुक पढ़ रहा था हुँ. तो ये जब के बाद सा इनको एक्चुअली बिफोर स्वीट चाइल्ड नंबर वन पे गया था ना लेकिन एक साल बाद नंबर वन पे गया तो एपिटाइट रिलीज हुई और ये एरोस्मिथ के साथ टूर पे लग गए ड्यूरिंग द टोर पहले तो एरोस्मिथ के फैंस आए थे ड्यूरिंग द टोर स्वीट चाइल्ड नंबर वन हो गया और ज्यादातर ओपनिंग एड के फैन थे उधर और हेडलाइन एरोस्मिथ था तो फिर इसके साथ थोड़ा सा कारमा भी बिल्कुल <laughs> 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 हाँ तो ये तो होगा ना नहीं बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हाँ नहीं यार बड़ा मजा आया काफी In बात हुई है. हाँ और खुड़ के बात होनी <laughs> चाहिए स्पेशली <especially amongst> <laughs> करेंगे शुरुआत बिल्कुल करेंगे बट थैंक ऑबियसली सबको फराज अनवर भाई का पता ही होगा जिसको नहीं पता अगर आप न्यू हैं अगर आप यंग हैं प्लीज एक्सप्लोर इस म्यूजिक में है फराज अनवर अपने नाम से अपनी एल्बम रिलीज की है लास्ट ईयर बहुत तबाही एल्बम है सब कुछ खुद बचाया उसमें एंड प्लीज़ स्टे ट्यून सब्सक्राइब एंड शेयर एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू